करना चाहते हो, डेयरी फार्मिंग के धंधे दे विच आना चाहते हो, इस कारोबार में शुरू करना चाहते हो, तो एक जिहड़ी सब तो वड्डी मुश्किल हमेशा रहिंदी है ना, वह रहिंदी है जी किहड़ी ब्रीड दे नाल काम शुरू करिए। एच एफ जर्सी क्रॉस ब्रीड साहीवाल आ जाती है, राठी आ जाती है, गिरलाडो बहुत सारिया ने, पर बेस्ट केड़ी है, केड़ी ना काम शुरू किया जा सकता है, तो केड़ी वधिया परफॉर्मेंस देती है लंबे समय तक, तो जिन्नू रख के सानू अफसोस नहीं होंदा, वो है जी एच एफ का। एच एफ जिहड़ी होंदी है ना, इहदा कोई तोड़ ही है नहीं, इहदा कोई मुकाबला नहीं है फील्ड दे विच। तुहानू मैं प्रैक्टिकल गल दस रही हाँ, फील्ड दे उत्ते जो आपां एक्सपीरियंस है, जो अनुभव किया गया है, वो दस रही हाँ तुहानू। तुसी किसी भी चंगे वड्डे गावां दे फार्म नू पुछ लोगे ना, उन्होंने तुहानू एक ही जवाब देना कि एच एफ का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, जर्सी भी आउंदियां ने, जर्सी का भी कह सकते हैं कि बहुत वधिया ब्रीड है, पर जर्सी जिहड़ी होंदी है ना, एक लिमिटेड आ, एक सीमित दायरे दे विच रह के दुध देने वाली गावां, उहदी तुसी प्रोडक्शन की हद नहीं वेख सकते, छोटा जानवर ने फिर उन्होंने मतलब वो मुकाबला नहीं असं कह सकते कि एच एफ दे जर्सी का। एच एफ की जी सब तो ज़्यादा खासियत है ना, वो है कि दुध देने की जी कैपैसिटी है, बहुत ज़्यादा दुध दे सकती है। जिनी चंगी नसल होएगी, नसल सुधार जिन्ना चंगा किया गया होएगा, तुहाडा पट्ठा जिन्ना चंगा, तुहाडी मैनेजमेंट जिनी चंगी है, तुसीं एच एफ गां तो जिन्ना मर्जी दुध लै सकते हो। एक मेन बड़ी सारी ना, अज तो बाबा 5-7 साल पिछे चल जाइए, एच एफ गावां दे नाल मेन प्रॉब्लम रहिंदी सी कि जिहड़ियां एच एफ गावां ना वो दुध ज़्यादा नहीं देंदियां। अजकल ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, अजकल सीमन दे विच इन्ना ज़्यादा शोध की गई है, और इन्ना ज़्यादा वधिया क्वालिटी दे नाल ब्रीडिंग की गई है कि जिहड़ी अज एक एच एफ गाय है ना, उहदे दुध की जिहड़ी प्रोडक्शन की जिहड़ी फैट है ना, वह 4+ भी आउंदी है। इहो जिहे भी बुल्स आ गए ने मार्केट दे विच, फील्ड दे विच इहो जिहे बुल्स अवेलेबल ने जिहड़ियां एच एफ गावां दा दुध बहुत संघना है, तो दुध की फैट बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा दूर ना ही चल जी, ए बी एस को यहो जे बड़े बुल है एच एफ, जिन्हों का दुध भी बड़ा ज़्यादा 40+ दी कैपैसिटी है, पहली लैक्टेशन भी प्लस उन्होंने जी फैट आ वह भी 4 तो उत्ते जाती है। तुसी सर्च करके देख सकते हो, हवा दे विच कोई गल नहीं की जा रही, तुसी ए बी एस का कोई भी वधिया जिहड़े नवें बुल आए ने उन्होंने अपना सीमन चार्ट चैक करके देखो, तुहानू पता लगेगा कि बड़े सारे एच एफ बुल्स ने जिन्हां दी फैट भी बड़ी ज़्यादा ते दुध दी प्रोडक्शन भी बड़ी ज़्यादा। जिहड़ा आपां सूआ लैके चलदे आ ना, सूआ 305 दिनां दा हुंदा, ते जिहड़ी आम एक एच एफ गां ना उह 12,000 लीटर दुध दे ही जांदी है, जे तुसीं एक वधिया प्रबंध दे विच उहनां नूं रखदे हो, ते 12,000 लीटर दुध बहुत ज़्यादा हुंदा जी, फैट भी वधिया लगे, रेट भी वधिया लगे, फेट तो बहुत ज़्यादा होंगे, आपां कह नहीं सकते। आपां ना एक धारणा लैके बैठे हाँ कि जिहड़ा डेयरी फार्मिंग का धंधा ना वह घाटे बंदा सौदा है, घाटे वधदा सौदा उदों हो जाता है जे तुहाडियां गावां दुध ही नहीं देंदियां, तुहाडी गां दुध घट देंदी है, तुहाडे दुध की फैट घट है, जे दुध की फैट घट है, दुध ही घट है, रेट घट लगेगा, फिर मुनाफा असीं कित्थों पालदे हां, नहीं हो सकता मुनाफा। मुनाफा उदों ही होएगा जदों साडे कोल दुध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, साडा रेट बहुत वधिया लगता, तो साडी रेट तां ही वधिया लगता है जे साडा फैट वधिया क्वालिटी का दुध असीं प्रोड्यूस करते हैं। सारियां चीज़ां ध्यान दे विच रख के फिर ये चीज़ां करनियां चाहीदियां ने। एक मैं तुहानूं पहला फायदा दसता कि इहदा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुंदी है, दूजी जिहड़ी मेन गल है ना, ये प्रोडक्शन नूं मेनटेन करके रखण दे बड़ी काबिल हुंदी है, मतलब तुहानूं 90 तों 120 दिन तक ही अपनी प्रोडक्शन पीक प्रोडक्शन नूं मेनटेन करके रख सकदी है, इन्नी इहदी कैपैसिटी हैगी है। सून तो 15 तों 20 दिन बाद अपनी पीक वल नूं जाना शुरू कर देंदी है, हर रोज़ दुध वधाउंदियां ने, ते 90 तों 120 दिनां तक जे मान लो वह 45 लीटर दुध देंदी है, ते 45-46 लीटर वह मेनटेन करके रख सकती है, जे 50 लीटर दुध देंदी है, इन्ना टाइम वह 3 तों 3.5 महीने वह मेनटेन करके रख सकती है, ये उहदी कैपैसिटी है, ये उहदी जीन्स विच है, ये उहदे ब्रीड विच है, ठीक है जी। एक ही है तीजा जिहड़ा सब तो वड्डा फायदा कि वड्डे बॉडी स्ट्रक्चर दीआं गावां हुंदीआं ने, इहनां दा जिहड़ा शरीरिक ढांचा हुंदा ना, स्केलेटन जिहनूं असीं कह लईए, वह बड़ा ज़्यादा मजबूत हुंदा है।
आम तौर पर इन गावान इन्नी छेती मतलब बस नहीं हो जाती बुढ़ापा इन्हों पर इन्नी छेती नहीं होंगे इन्हों की प्रोडक्टिव लाइफ जी होंगी है ना वो बड़ी ज़्यादा होंगी है। तुसी तीजे या चौथे सूए की गां वेखोगे ना तो लगता है कि जिम्मे पहले सूए की गां होंगी हीफर होंगी है इन्ना ज़्यादा वधिया बॉडी स्ट्रक्चर मेनटेन करके रखती ने साढ़े को भी गाव है तुम देख के कह नहीं सकते कि चौथी या पंजवीं लैक्टेशन के जा रही ने इन्हों की बॉडी बिल्ट बड़ी स्ट्रोंोंग होंगी है। आम तौर पर कई यहोजा गावं होंगे क्रॉस ब्रीड या देसी ब्रीड के जो तीजे या चौथे सूए जाके बस जिया हो जाए लगदिया नहीं कि जड़िया गावं ने यह फ्रैश लैक्टेशन होंगे मतलब उन्होंने शरीरिक ढांचा बहुत वधिया नहीं होंगे। एच एफ गावं बहुत ही ज़्यादा हैल्दी तो व्डे शरीरिक स्ट्रक्चर के नाल एक करके मनिया जाए ने जिदे करके अगे इन्हों सून प्रॉब्लम्स घट आदि ने वधिया बच्चे देंदिया ने प्रोडक्टिव लाइफ ज़्यादा आदि है साढ़े फार्म के उत्ते ज़्यादा सूए दे सकदियां ने ते सानू ज़्यादा मुनाफे रख सकदियां ने। ते जे तुसी फार्म शुरू करना चाहते हो कोशिश करो कि एच एफ गावं तो शुरू किया जाए एच एफ गावं तो अगे तुसी चंगे बच्चे लैन की कोशिश करो ता कि जिहड़ियां भी तुहानू प्रॉब्लम्स पहली जनरेशन दे विच आईयां पहली पीढ़ी दे विच आईयां वो तुहानू प्रॉब्लम्स अगली पीढ़ी दे विच देखण नू ना मिल। जे तुसी इन्ना का काम कर लैंदे हो ना तो फिर डेयरी फार्मिंग का धंधा सक्सैसफुल ही सक्सैसफुल है ये तुहानू घाटे दे विच नहीं लैके जाएगा। आपां मिलांगे कल नू एक नवी वीडियो दे नाल तद तक भी तुसी चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। बाय बाय।